हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए 8000 किलोग्राम इंजन, 8000 किलोग्राम का इंजन है, वो ट्रेन पुल कर रही है, ठीक है। जो 8000 किलोग्राम का एक इंजन है वो ट्रेन को खींच रहा है, कितने डब्बों वाली ट्रेन को, 5, ठीक है। और हर एक डब्बा जो है वो 2000 किलोग्राम का है। अब जो ट्रैक है वो हॉरिजॉन्टल है। इफ़ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स, अगर इंजन का फोर्स 40,000 न्यूटन लग रहा है तो जो ट्रैक है उसका फ्रिक्शन जो है वो 5000 न्यूटन है। अब आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ये मैंने पुरानी बुक से उतार दिया था, न्यू बुक में ये थर्ड पॉइंट नहीं है, बस दो पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, हम सबसे पहले हमारे पास हमें क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो हमने लिख लिया फोर्स और नेट एक्सेलरेटिंग में लिख दिया, ठीक है। इसका हमारा होता है सम ऑफ ऑल फोर्स, ठीक है। तो सारा फोर्स क्या हो गया, सबसे पहले तो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो फोर्स है, ये इंजन है हमारा के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे, ठीक है। तो ये जो इंजन चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा। समझ आ रही मेरी बात, अपोजिट लगेगा। इसका मतलब इस फोर्स में से इस फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेगा करेंगे तब हमें टोटल फोर्स पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 40,000 में से 5000 को हमने माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास, 35,000। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, 35,000। ये हमारा हो गया ए पार्ट, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है आपका, बी पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले हमारे पास मास जो है अलग अलग दे रखा है, हमें एक डब्बे का जो है मास दे रखा है और हमारे पास टोटल 5 डब्बे हैं। तो सबसे पहले हमें 5 डब्बों का मास निकालना पड़ेगा, है ना, और एक इंजन का। तो पूरी ट्रेन का अगर मास निकालना है, इंजन के और 5 डब्बों को, दोनों को हमने क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि टोटल मास इज़ इक्वल टू, पहले इंजन का हम लिख लेते हैं 8000 किलोग्राम प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 डब्बे है ना, 2000। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 8000, ठीक है, प्लस 5 2 10, कितने, 1 2 3, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 10 और 8 18000 किलोग्राम। ये तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल मास ट्रेन का आपका, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल जो मास हमने निकाल लिया, हमें, हम बी पार्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम निकालें, हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। अगर ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ अपॉन एम। समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि फोर्स और मास दिया हुआ है तो हमें एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स टोटल कितना है, फोर्स हमारे पास ये है कितना, 35,000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद मास हमारे पास क्या है, 18,000 किलोग्राम। एक्सेल हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू। अब हमारे पास जो है टोटल, हमने निकालना क्या है, हमने एक्सेलरेशन निकाला, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास अब कितना आ जाएगा, इसको आप पूरी कैलकुलेशन करना, ये 30 कट हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे आएगा 1.94। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बस जो अपना न्यू सिलेबस है, हमारा न्यू बुक है, उसमें हमें यही दो पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं, कल आपकी एग्ज़ाम है तो मैंने फटाफट इसको अपलोड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो का थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।